अकेली बेचारी कमजोर सी, कैसे हाथ लगाऊंगी, हिल ही नहीं रहे। मेरी तो कमर ही सेट हो जाएगी। तू चलकर जरा ठीक करा दियो। और इस मैडम की वड्डी वड्डी किताबें, वो सड़ रही है, उन्हें भी हटाना है ना। माँ मैं कर देती हूँ। तू? तुम कर लोगी? क्यों नहीं। बाबूजी आप, अरे तू तो बहुत ही स्ट्रांग है, तू सब कुछ कर सकती है। तो आप ना क्यों रहे हो बाबूजी? एक मिनट में देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये 33 नंबर हाउस किधर है? वो वहाँ सामने। यहाँ पर? जी। थैंक यू। आंटी जी, अगर आप कहे तो घर के सोफे सेट करने में मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन ये है कौन? अरे ये राजवीर है। आपने वो गुरप्रीत के घर पे किराएदार आया ना, ये वही है। अच्छा, हाँ। नमस्ते आंटी जी। चल जल्दी से सोफे हटवा दे। सोफे उठाकर इधर से उधर रखने हैं ठीक से, और किताबें भी उठानी है। अरे माही पागल हो गई क्या, फोन गिर गया तेरा। अरे लड़की पलकी। बाबा यू आर यू, हाउ आर यू माय पुत्र? ये हमारे नए पड़ोसी हैं। हाय। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं अजनबी लोगों को देखती हूँ तो मेरी स्लिप ऑफ टंग स्लिप हो जाती है। माही, मैंने बताया था ना बुआ जी के यहाँ किराएदार आए हैं, वही है ये राजवीर। ओ हाँ, बताया था, बट ये नहीं बताया था कि ये कितना हैंडसम दिखता है। सॉरी, कुछ कहा तूने? हाँ नहीं, कुछ नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे उठाकर मैं लेकर आई थी ये सारा सामान उठाकर यहाँ लगाने के लिए, और तुम लोग ना, तुम लोग की तो बातें ही बंद नहीं हो रही है। जी आंटी जी, वो कौन सा सोफा हटाना है यहाँ पर? ये हाँ, ये दोनों सोफे उठाकर ना वहाँ पर रखना है, और वो कार्टन जो देख रहे हैं ना, वो कार्टन बड़ा वाला, हाँ बहुत ही भारी है वो, पता है। उसमें ये पलकी की सारी किताबें, अब पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो गई है ना उसकी, मगर किताबें तो बड़ी बड़ी वाली है, भारी भारी वाली है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। सारी किताबें पढ़ डाली इसने, अब उसे बेचना है, बहुत एक्सपेंसिव है ना। रद्दी वाला है, इतना सारा काम अकेले वो कैसे करेगा? मैं तेरा हाथ बटा देता हूँ पुत्र, ये वाला सोफा उधर जाएगा। हाँ, ये छोटा वाला उठाकर सामने ही रख दीजिएगा। माही हट। हाँ। अरे ये आप क्यों ले आई? दो मिनट। अरे कपड़े छत पर सूख गए थे तो मैंने सोचा उतार लेती हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दे दो। आप मुझे दीजिए, इन्हें फोल्ड करके अच्छे से रख दूंगी। अरे नहीं नहीं, ये प्रेस करने को ही देने हैं मुझे, तो क्यों खामखा डबल काम करेंगी, दे दो। अरे ये रहने दीजिए, अरे अपने कपड़े में खुद ही प्रेस कर लेती हूँ। चलो ठीक है, मैं छोड़ के आई हूँ। ओके रिलैक्स, बेल करने के बाद किसी को टाइम तो दो कि वो उठ के आएगा, खोलेगा दरवाजा, टंग 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 ऐसे कैसे? अरे यार करण प्लीज यार, बात को सुन लिया कर। Thank you.
से तेज दाड़ू सपनों से आ गए अब जहां लुट जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजना तेरा सजना बिन रहन करूं ना विचैन करूं सजना इतनी बड़ी गड्डी किसकी हो सकती है ये चाय का पकड़ है ये लो पाना पाना थैंक्स परफेक्ट वैसे तुम नल क्यों खोल रहे हो वो नल में पानी नहीं आ रहा ना पहले मुझे लगा कि फिल्टर में कचरा है लेकिन अब समझ में आया कि कचरा तो शायद इस नल में ही है ओए पकड़ो पकड़ो पानी पकड़ो आई मीन नल पकड़ो अरे पकड़ा है लेकिन हट तो ये पानी कहां से पहली बार है जी पहली बार है जी इस कदर किसी की दिल सवार है जी जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर शाम को उसी का इंतजार है जी होश है जरा 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 खुमार है जी छेड़ के गया ऐसे दिल के तार है जी पहली बार है जी पहली बार है जी इस कदर किसी की धुन सवार है जी जिसकी आस में हूँ सुबह से दोपहर शाम को उसी का इंतजार है जी हड़बड़ी में हर घड़ी है धड़कने हुई बावड़ी सारा दिन से ढूंढते रहे नैनों की लगी नौकरी दिख गई तो है उसी में आज की कमाई मेरी मुस्कुरा भी दे तो मुझे लगी जीत ली कोई लॉटरी दिल की हरकतें मेरी समझ के पार है जी इश्क है इसे या मौसमी बुखार है जी पहली बार है जो पहली बार है राजवीर क्या करता है तू क्यों बार बार इसे ऐसे देख रहा है जरा रोकण दो मंज धारा या राजा मेरा या राजा मेरा ओ हो वे पल पल जैसे सदिया वे इश्क बड़ा है इम्तिहान तेरा छान ली तेरी गलिया वे दिल मेरा नाम ले आवे मुझको बना ले निगेबान तेरा ओ दरिया सुन तो सही मैं क्या कह रही हूँ मैं कह रही थी
कि वो जो लंबी गड्डी वाला मुंडा था ना, था तो बड़ा सोना है कि नहीं? मतलब इतना भी सोना नहीं था लेकिन था हैंडसम। तो आप ही कर लो सेटिंग, है कि नहीं? हाँ, बस इस उम्र में यही तो बचा है, वो भी कर लेती मैं। लेकिन वो क्या है ना, उम्र थोड़ी, वो थोड़ा यंग शंग है कि नहीं? अच्छा, तो क्या खिचड़ी पक रही है माँ बेटी के बीच में? कुछ नहीं जी, हम मुझे देखते ही तुम दोनों को साफ सोंगे। क्या बात है? हम लोग तो बात कर रहे थे, बस खेलते हुए आ रहे थे, उसको कुछ खरीदना था। हाय, मुझे तो यही लड़का अच्छा लगता है। अच्छा जी, चलिए मैं चलता हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं बेटा, चाय शाय पी के जाना, आज तुझे चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगा। हाँ जीते, किसी चाय बनाओ ना। हाँ ये तो बड़ी चंगी गल कही है, मैं बढ़िया अदरक वाली चाय बनाती हूँ, दो मिनट में अभी लेके आती हूँ। अरे सुनो। अच्छा अंकल आंटी, आप अगर कोई भी काम होगा तो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं तो बाजू में ही रहता हूँ। हाँ हाँ, आपको ही बुलाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ आपको ही बुलाएंगे। ले लो ये आ गया, किधर था तू, इतनी देर क्यों कर दी? वैसे तू कहीं भी था हमें क्या फर्क पड़ता है, कुछ काम तो होता नहीं तुझसे, निखट्टू कहीं का। अब अपने किराएदार से सीख, कितनी मदद की उसने हमारी, है कि नहीं? मामी जी रिलैक्स, ये सब ना हम बाद में कर लेते हैं, इसकी तारीफ, मेरी बुराई, ये सब हम बाद में करते हैं। अच्छा अभी राजवीर तू सुन मैं क्या कह रहा हूँ। बाद में नहीं, पहले तो ये बता तू बाबूजी की स्कूटी लेके गया था? नमक लाने, नमक सॉल्ट जो तू अभी ऐड कर रही है ना, वो तो ले आया नमक, मुझे तो लगा था तू खुद अपने हाथों से बना कर लेकर आएगा। क्या बाबूजी आप भी, वो कब से बेचारा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों बोलने ही नहीं दे रहे हो, तू बोल। थैंक यू सिस, इस खानदान में ना एक लड़की समझदार है और एक लड़का जो वहाँ उस घर में रहता है, यहाँ पलकी वहाँ मोहित। हो गई तेरी बकवास। बकवास तो मेरी चलती रहेगी ना, चलो वो सब छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि मैं राजवीर से मिलने आऊँ, मेरा मतलब राजवीर को बुलाने हूँ, क्योंकि राजवीर तुमसे मिलने कोई घर पर आए। मुझसे मिलने? हाँ भाई, यहाँ पर और कोई राजवीर है? हाथ उठाओ। Nobody? हाँ ठीक है जी, मैं चलता हूँ फिर। अब हट करना है। जल्दी गो बड़ी। बाय बाय। मामी जी सिर्फ डांट ही खिलाओगी या खाने को भी कुछ दोगी? बहुत भूख लगी है। नहीं भैया, मैं तो कुछ नहीं बनाने वाली, मेरे हाथ में दर्द हो गया, सुबह से कितना काम किया, पसेरी पर सब्जियां रखी, वो भी तो काटनी, वो कौन काटेगा, तू काटेगा? बना दो ना कुछ। नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, रह भूखा। और ये मेरी छोटंकी सिस, तू कुछ बनाती है? झापड़ आता है बनाना, लाओ। नहीं मुझे पता है इसे क्या आता है बनाना, बेवकूफ बनाना आता बहुत अच्छे तरीके से। बकवास सुन रहे हो, मार खाने वाले काम ही करता है तू। हो गई तेरी नौटंकी, अभी नाटक बंद कर और बता क्या खाएगा। सिस्टर यार अब तू ही कुछ बना दे खाने, बहुत भूख लगी है, पेट में ना चूहे दौड़ रहे तलवार लेकर एक दूसरे की जान मारने के लिए। अरे खोते बताना क्या खाएगा, पूछ तो रहा हूँ तीन देर से। अच्छा जब तक ये तू बिस्किट खा ले। ये कुछ नहीं खाएगा, ये खाएगा तो अब मेरे हाथ का कस के झापड़, अभी खींच के एक झापड़ दूंगी ना, सारे चूहे अपने आप शांत हो जाएंगे, है कि नहीं? नहीं नहीं मामी, ये स्पेशल डिश ना आप अपने पास ही रखो, बड़ी वायलेंट फैमिली है। तू चुप कर, मुझे पता है ये क्या खाएगा, इसके फेवरेट समोसे। लेकिन पहले प्रॉमिस कर कि कल से जॉगिंग पे जाएगा। पक्का प्रॉमिस, पक्का जाऊंगा मैं, सच्ची वाला पक्का प्रॉमिस। हाँ सच्ची वाला पक्का प्रॉमिस, अब बहुत भूख लगी, समोसे बना दे, बहुत भूख लगा है। ये करीना बुआ भी ना कुछ ज्यादा ही बोलती है, इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। I won't spare her for this. अगर करण ने जाते जाते मुझे अपनी मॉम का ख्याल रखने नहीं कहा होता ना, तो अब भी इन सबको मुंह तोड़ जवाब देती। मन तो करता है इन सबको एक बार में ही सीधा कर दूं, but well, pretending to be good is painful. सही सुना आपने, एक बार फिर कहता हूँ, मुझे बेटा मत बोलना, क्योंकि मैं आपका बेटा नहीं, मैं बस अपनी माँ का बेटा। राजवीर कैसी बातें कर रहे हो तुम,
देखो मैं यहाँ पर तुम्हें बेटा बनाने नहीं आया, बेटा बोलने नहीं आया, लेकिन एक बात करने का तरीका होता है कि जो भी तुम्हारे बच्चों की उम्र के होते हैं ना, बेटा या बेटी कहकर बुलाया जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमारे यहां ऐसा कोई दिखावा नहीं होता है। हमारे अगर कोई रिश्ता होता है, बेटा बेटी या कोई और रिश्ता, तो वो जिंदगी भर का होता है। मुझे आपके यहाँ के तौर तरीके नहीं पता थे, इसलिए रिएक्ट करके आई एम सॉरी। लेकिन अब समझ में आ गया कि आपके यहाँ पर सिर्फ नाम के और बुलाने के रिश्ते होते हैं। मिस्टर लूथरा, यू नो व्हाट, आपके और मेरे जिंदगी में रिश्तों के मायने बहुत अलग है। आप क्या सिर्फ नाम के रिश्ते होते हैं, हमारे यहाँ रिश्तों का नाम होता है। अगर रिश्ते होते तो जिंदगी भर के लिए निभाए भी जाते हैं। देखो राजवीर, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन इतना गुस्सा, बस का एक्सीडेंट हुआ लेकिन भगवान की कृपा से किसी की जान नहीं गई, लोगों को चोट आई है लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और मैं मानता हूं कि शौर्य ने गलती की है और मैं यहां पर उसकी वकालत करने नहीं आया। वो मैं ही हूं, शौर्य का पिता करण लूथरा, जिसने कल उसकी बेल नहीं कराई, इसलिए वो आज जेल में है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी इंसान ने गलती की है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके बेटे ने गलती की है तो आप यहां पर क्यों आए? अगर आप उसे सही गलत का ज्ञान सिखा देते हैं तो आज ये नौबत आती ही नहीं। आज आपको दर दर भटकना ही नहीं पड़ता, जेल के चक्कर नहीं काटने पड़ते आपको। अरे तू क्या कर रहा है, वो बात क्यों नहीं सुन रहा? तेरे को बुला रहा हूं, तू क्यों, जस्ट काम डाउन। काम डाउन? मैं काम डाउन? तूने देखा किसने बदतमीजी से बात कर रहा था वो लड़का? कैसे बात की है उसने उससे? तुम उससे कह रहा काम डाउन? मैं कोई यारा गरा इंसान नहीं हूं, मैं करण लूथरा हूं, द करण लूथरा। तो वो भी कोई कम नहीं है, वो भी किसी करण लूथरा की औलाद होगी। अरे तू मेरी बात को समझ नहीं रहा, उसने गलत क्या बोला? बोला तो उसने सही ना, सोच तो वो सही रहा है ना, प्रॉब्लम क्या है? तो मैं गलत हूं? मैंने भी उससे रिक्वेस्ट करके बात की थी, प्यार से बात की थी, उसको ऑर्डर तो नहीं दिया था ना, यही कहा था कि अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, आज के बाद शौर्य इस तरह की हरकत नहीं करेगा। लेकिन नहीं, वो तो लड़ने लगा मुझसे, बदतमीजी से बात करने लगा मुझसे, तो ऐसे बात कर रहा जैसे मैं उसका कोई दुश्मन हूँ। अच्छा अब तू इतना गुस्सा करके होगा क्या? हम बाहर आ गए हैं ना, बात को सुलझाना है, बात को बढ़ाना नहीं है, इसलिए तू थोड़ा सा चिल कर, रिलैक्स कर। क्या चिल कर, हर बार एक ही बात, चिल कर। सर मैं ही काम डाउन हूं, मैं ही ठंडा रहूं बस। हाँ क्या हुआ? क्या नहीं, कुछ नहीं, चल ना, चल घर चलते हैं, वैसे ही लेट हो गया। चल जी मिस्टर ओबेरॉय, या मिस्टर ओबेरॉय वांट्स टू टॉक टू यू। स्पीकर पर डाल दे, यही बात प्यार से बोल। मिस्टर ओबेरॉय, यस हाँ, मीटिंग अगले हफ्ते के करीब अगर रख लेते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि सब होंगे। अगर लोगों के हक के लिए वो तेरे खिलाफ खड़ा होता तो ऐसे गुस्सा करता? अपने परिवार के लिए खड़ा होता, उनकी परवाह करता? अगर अपनी माँ के लिए तेरे अगेंस्ट खड़ा होता, ऐसे गुस्सा होता? तो अगर अपनी माँ की चोट के लिए वो इंसाफ मांगता तो तू ऐसे गुस्सा करता? नहीं करता ना। करण सुन मेरी बात, उसकी माँ को चोट लगी है, अगर वो उस चोट का इंसाफ मांग रहा है, अगर तेरा बेटा तुझसे वो इंसाफ मांगता तो तू ऐसे ही गुस्सा होता? ये खूबियां अगर तेरे बेटे में होती ना तो उसके ऊपर नाज करता, गर्व करता, तू गुस्सा नहीं करता। क्या गलत किया है राजवीर ने? अपना परिवार का साथ दिया है, अपने परिवार की परवाह की है, गलत के खिलाफ खड़ा हुआ है, क्या किया है उसने?
और तू भी तो यही चाहता है ना कि तू सच के साथ खड़ा हो। सच के साथ तू खड़ा होता है ना तो अब हो। तू वहां जाके उसको पैसे ऑफर कर रहा है। तुझे मैं वहां पर लेकर गया था इसलिए ताकि तू वहां पर जाए और उसको बोले कि हमसे गलती हुई है, प्लीज अपनी कंप्लेन वापस ले लो, ना कि जाके उसको पैसे ऑफर करे। I'm sorry, but मुझे भी बुरा लगा जब तूने उसको पैसे ऑफर किए। That's not the way to deal with things. तू उसकी ईमानदारी खरीद रहा था, उसकी ऑनेस्टी खरीद रहा था। मैं जो भी कर रहा था वो शौर्य के लिए कर रहा था, बस। इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाया। Mom, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जाऊंगा पर्सनली उस लड़के से बात करूंगा, शौर्य को वापस छुड़ा कर लाऊंगा। मॉम, मैंने अपना वादा निभाया है, मैं उसके पास गया मॉम, लेकिन क्या करूं, वादा निभा के भी नहीं निभा पाया। प्लीज प्लीज कुछ खा लीजिए। देखिए, मैं शौर्य को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा, सच कह रहा हूं, पर कोशिश नहीं, अब तो मैं शौर्य को वापस लेकर आऊंगा। देखना आप, अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक शौर्य जेल से बाहर नहीं आता। अगर वो अपनी बात का पक्का है ना, तो मैं भी दब कर लूट रहा हूं। अब चिंता मत करो मॉम, चिंता मत करो। मम्मा, आपको पता है ना अपना बेटा कैसा है, 2 मिनट का गुस्सा होता उसके बाद भी। अब मैं आपको मेरी माँ को एक खरोच तक पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं इस शहर में आपसे बदला लेने आया और आते ही सबसे पहले आपके बेटे से, यानी मेरे भाई से टकराया। पहले आपने मेरी माँ को चोट दी और फिर आपके बेटे ने। अब मेरे अंदर की बदले की आग और भी ज्यादा बढ़ गई है और अब मैं आप लूथरास को छोड़ूंगा नहीं। पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे और मेरी माँ को। मेरी माँ के साथ होते हुए भी मैं उन्हें माँ नहीं बुला सकता। तो माँ, आपको तो कुछ याद भी नहीं है, आप अनजाने में अपने उस पति, अपने उस बेटे की मदद कर रही है जिन्होंने आपको चोट के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। मगर अब और नहीं, अब मैं आपको उनकी कोई मदद नहीं करने दूंगा, उनके लिए कुछ भी करने नहीं दूंगा, उनके उस झूठे प्यार के जाल में फंसने नहीं दूंगा आपको मैं। क्या राम रावण लगा रखा है, क्या हुआ, सब ठीक है? डैड, कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो। आज वो लड़का जिससे मैं मिला, राजवीर, वो अच्छा लगा मुझे, लेकिन पता नहीं, एट द सेम टाइम उस लड़के से नफरत हो रही है मुझे। बेटा, प्रॉब्लम पता है क्या है? तुझे नफरत क्यों हो रही है, इसका कारण यह है कि तुझे आदत नहीं है कि कोई तेरे खिलाफ खड़ा हो। इतने सालों में कोई तेरे सामने आया नहीं ना, इसलिए तुझे बुरा लग रहा है कि ऐसा कौन आ गया जो तेरे सामने आंख से आंख मिला के बात कर रहा है। लेकिन ऋषभ ने मुझे बताया उस लड़के के बारे में, बहुत तारीफ कर रहा था उसकी। वो क्या नाम है उसका, वो राजवीर। ऋषभ की बातों से ऐसा लगा कि वो लड़का वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा प्रॉब्लम यह है कि वो जितना अच्छा होगा ना, वो हमारे लिए उतना ही खराब होगा। एक बात तो तय है, शौर्य को मैं जेल से छुड़वा कर रहूंगा चाहे जो भी हो जाए, और वो लड़का राजवीर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसने मेरी इंसल्ट की है, करण लूथरा की इंसल्ट। और आप अच्छी तरह से जानते हैं डैड, मैं इस दुनिया में किसी भी इंसान को माफ कर सकता हूँ, लेकिन उसको नहीं, जिसने मेरी इंसल्ट की है। Wrong with you. एक सिप में पूरा ड्रिंक पी गई। इतना ही मन करता तो घर पे भी पी लिया करना। Of course,
सबसे छिपते छिपाते। That's not possible, Roy Yusuf. उस घर में ना चलती तो मेरी है, लेकिन सबकी नजर सिर्फ मुझ पर होती है, so I've got to be careful. मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे कि मेरी परफेक्ट इमेज खराब हो। And तू तो जानती है उस घर में लोग कितने ओल्ड फैशन्ड हैं, so I've got to be careful. वैसे मन तो कर रहा है कि मैं एक लंबे हॉलिडे पे चली जाऊं, जो मैं जाऊंगी, बस एक बार शौर्य को छुड़ा दूं, तू तो जानती है वो जेल में है अभी, एक बार ये कर लूं उसके बाद स्वयं एक लंबा हॉलिडे लूंगी मैं। Babes, I feel for you. I know, उस घर में बस एक शौर्य ही तो है जिससे तू इतना प्यार करती है, और अभी तो वो भी जेल में है। I'm sure तुझे तो ठीक से नींद भी नहीं आती होगी। नहीं आती, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। इनफैक्ट मैं रात भर जागती रहती हूँ, तभी तो होटल में रूम बुक किया है। Are you serious, Nits? I mean... Yes, darling, I'm serious. And come on, तुम्हारे सामने क्या झूठ बोलना, तुम तो सब कुछ जानती हो और तुम मेरी फ्रेंड भी हो। किसी शौर्य मेरे लिए ना वो पपी है जो मेरी हर बात मानता है, जो मेरे आगे पीछे घूमता है। उसे लगता है कि उसका मालिक उससे बहुत प्यार करता है, पर मालिक को भी तो प्यार चाहिए, इसीलिए कभी कभी उसे अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। वैसे इस वक्त ना मुझे ये पूरी सिचुएशन का फायदा उठाना है, कुछ भी करके शौर्य को बाहर लाना है। अगर ऐसा हो गया ना तो लूथरा हाउस में मैं क्वीन बन जाऊंगी। बट बेब्स, जब करण शौर्य को जेल से नहीं निकाल पाया तो तू अकेली ये कैसे करेगी? ऑफ कोर्स करूंगी। जैसे करण शौर्य को इसलिए जेल से नहीं निकलवा पाया क्योंकि वो बहुत ही एथिकल है, सच का साथ देने वाला टाइप, यू नो, और इसीलिए उसके उसूल उसे अलाउ नहीं कर रहे कि वो पूरी तरीके से मेहनत करे शौर्य को बाहर निकालने के लिए। एंड दैट इज व्हाई मुझे शौर्य को कुछ भी करके बाहर निकालना है। जैसे आरोही, आई एम सो हैप्पी कि तुम यहाँ आ गई हो। अब इस जगह पर आकर मैं कभी भी सो सकती हूँ, ड्रिंक कर सकती हूँ, रेस्ट कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स बी, एनी टाइम। वो कल अब हम जाएंगे और शौर्य से मिलेंगे, उस बिगड़े हुए बेटे को और बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उसे ये रियलाइज करवाएंगे कि उसकी लॉयल्टी सिर्फ मेरी तरफ होनी चाहिए, क्योंकि उसे कोई समझता है तो सिर्फ मैं। उसे ये भी बताएंगे कि करण उसकी बिल्कुल केयर नहीं करता, इनफैक्ट लूथरा हाउस में नोबडी केयर्स फॉर हिम, अगर कोई केयर करता है तो वो सिर्फ मैं, निधि, निधि हिंदुजा। Oh God, लेट हो गया। प्रीता, तुम्हारे सपने देखने के चक्कर में ना आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया। Handsome, hey handsome, hi. Hi. वो मैं एक्चुअली तुम्हारा नाम भूल गई। अब राजवीर। राजवीर, यस राजवीर। अब मैं तुम्हें ऐसे ओ हेलो ये सब करके बुलाती तो अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मैंने तुम्हें हैंडसम बोल दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, आई एम फाइन।
अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ तो ठीक है ना, अब मैं भी चलती। तुम कहाँ? तुम जहाँ। ये मार्केट है ना आगे, प्लीज मुझे वहां पर ड्रॉप कर दो ना। ओके। सच में कितना अच्छा लड़का है, गुड बॉय। मैं उस सो कॉल्ड लूथरा फैमिली को छोड़ दूं, नहीं रहूंगा मैं उनके साथ। मैं अपनी लाइफ से उन्हें बॉयकॉट करूंगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तू उनके साथ रहेगा तभी तो मेरी पावर बनी रहेगी। शौरव बेटा कम है, बेटा मेरी बात सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, ओके? तू तो जानता है कि मैं कितनी स्ट्रांग हूं, थोड़ी देर के लिए बस इमोशनल हो गई थी, पर बेचारी तो बिल्कुल नहीं हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अब मुझे जो करना पड़े ना मैं करूंगी, एंड जो मैं करने जा रही हूँ दैट्स नॉट लीगल, पर पैसा करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मॉम आप क्या करने वाले हो? आप मुझे ऐसे बाहर कैसे निकालोगे? मनी इज पावर बेटा। पैसा दूंगी, लोगों को खरीदूंगी। हम श्योर ये रिस्की है, बहुत रिस्की है, खासकर ऐसे इंसान को ब्राइब देना जो कि बहुत ही ईमानदार है। हो सकता है कि वो मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दे, हो सकता है कि मुझे जेल हो जाए। चुनो बेटा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। इट डजंट मैटर कि मेरे साथ क्या होगा, अब मैं तुम्हें यहां से निकाल के रखूंगी। यू टेक केयर बेटा, ओके? Mom, listen to me. Mom. Oh, man. Excuse me. ये माँ की सौतन है ना? बताइए ना सृष्टि माँ, ये माँ की सौतन है ना? डूड, ये राजवीर की मासी को क्यों मिलना है तुझसे? क्या लगता है क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे वो यहां आकर? हाय, वो तुम ठीक हो? आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू क्राई, बट मेरी फैमिली ने मुझे अब तक बाहर ही नहीं निकाला। मैंने सोचा था वो अब तक मुझे निकाल लेंगे, एंड आई स्वेयर मुझे बिल्कुल नहीं पता था उस बस में आप हो, अदरवाइज मैंने जो किया मैं वो बिल्कुल नहीं करता। आई एम रियली सॉरी, आई रियली एम। प्लीज इट्स ओके, काम डाउन। ये तुम्हारे हाथों पे कैसे लगी? कुछ नहीं, आई एम फाइन, कुछ नहीं हुआ। अरे
बताओ ना कैसे लगी तुम्हें चोट लगी है तुम मुझसे कह सकते हो मैं आई एम फाइन मैं सच में ठीक हूँ शौर्य ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ मेरे हाथों के बने हुए बेसन के लड्डू खा के देखो मेरी दादी भी बिल्कुल ऐसे ही लड्डू बनाती हैं और मेरे डैड ये उनका फेवरेट है अगर वो यहाँ होते तो सारे के सारे लड्डू खा जाते और मुझे एक भी नहीं मिलता एक्चुअली ये लड्डू ना राजवीर के भी फेवरेट है लेकिन तुम्हें भी अच्छे लगेंगे अच्छे लगे कि नहीं अच्छे हैं बहुत अच्छे थैंक यू आई नो मैंने जो उस दिन किया वो बहुत गलत था अनजाने में ही सही मैंने आपको चोट दी है एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट आप इतनी अच्छी हो एंड मैंने जो आपके साथ किया इट्स सो डिस्गस्टिंग सो शेमफुल ऐसे मत बोलो मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो लेकिन अब नहीं मैं अभी जाकर तुम्हारे खिलाफ अपनी कंप्लेन वापस ले लूंगी और तुम्हें यहां से बाहर जाने देंगे और मत रो प्लीज अपना दिल मत खराब करो जल्दी तुम यहां से फ्री हो जाओगे सो व्हाट्स अ बिग डील आई मीन तू इतना टेंस क्यों हो रही है डोंट टेल मी उसके घर छोड़ने से तुझे क्या फर्क पड़ता है कम ऑन नहीं मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है अब सच सच बता कि बात क्या है फर्क पड़ता है फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि शौर्य उस घर में मेरे लिए वो ट्रम्प कार्ड है जो मुझे उस घर में पावर देता है सो बेसिकली अगर शौर्य वहां से चला गया तो क्या पता लोग मुझे भी निकाल दें एट द वेरी लीस्ट मेरी पोजीशन मेरा रिस्पेक्ट मेरी पावर सब खत्म सो इन शॉर्ट शौर्य है तो मैं हूं मेरी रिस्पेक्ट है मेरी कमांड है तो तूने शौर्य को क्या बोला झूठ झूठ एक छोटा सा झूठ कि मैं उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ लोगों को पैसों की पावर से खरीद कर उसे बाहर निकाल दूंगी पर ऐसा कुछ करने थोड़ी वाली हूँ व्हाट डू यू मीन बता हाँ फिर शौर्य बाहर कैसे आएगा क्यों आएगा यू सी बेसिकली शौर्य ने कोई बहुत बड़ा मर्डर या कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है कोई क्राइम नहीं किया है छोटा मोटा एक्सीडेंट किया है सो बाहर तो वो आ ही जाएगा अब उसको बाहर लाने के लिए मुझे एक बड़ा गेम खेलना पड़ेगा गेम और जैसे ही मैंने वो गेम खेला ना शौर्य मेरी मुट्ठी में होगा आई विल विन हिज ट्रस्ट इन फैक्ट वो अपने आप से भी ज्यादा मुझ पे भरोसा करेगा चल अब ये भी बता दे इसके लिए तू करने के वाली है बहुत सवाल पूछ रही है गाड़ी चला यू ड्रामा क्वीन कैसी बात कर रहे हो तुम दादी है वो तुम्हारी हाँ यार एटलीस्ट जाकर मिल तो ले उनसे अब मुझे देख मेरी तो किसी को परवाह भी नहीं है एंड मुझसे कोई मिलने तक नहीं आया कम से कम तेरी दादी तो आई है जाके मिल ले डूड संजू आई एम टेलिंग यू ब्रो तू ना ये फैमिली मेंबर टाइप बातें मुझसे मत किया कर तू दोस्त है दोस्त की तरह रहे उससे ज्यादा कुछ नहीं और आप क्या देख रहे हो जाओ और उन्हें बोलो मुझे उसे नहीं मिलना पता नहीं क्या चल रहा है डूड दिस इज नॉट फेयर ये गलत करा है तुम हां तूने उस कांस्टेबल के सामने मेरी इंसल्ट डूड आज मैं अगर इस सेल में हूं ना इट्स बिकॉज ऑफ यू मैं वहां तेरे साथ था इसीलिए इन्होंने मुझे अंदर डाल दिया हेलो हेलो भैया कितनी देर पहले मैंने आपको कॉल किया था मेरी गाड़ी खराब हो गई है एंड आई एम स्टैंडिंग हियर ऑन द रोड वेयर आर यू
और कितनी देर लगने वाली है आपको यहाँ आने में? जल्दी आइए प्लीज। गाड़ी में बैठे बैठे ना मैं बोर हो गई हूँ, पर क्या करूँ, बाहर भी नहीं निकल सकती क्योंकि मेरी माँ यानी कि राखी रुद्रा पुलिस स्टेशन गई है और वापस भी इसी रास्ते से आएंगी, तो अगर मैं बाहर उतरी और उन्होंने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर वो 100 सवाल पूछेंगी और मुझे 100 जवाब ढूंढने पड़ेंगे, वो भी झूठ। इसमें से एक झूठ मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मैं बैंगलोर जा रही हूँ। अरे ये तो अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगे, मैं जाकर हेल्प करती हूँ। ओ मैडम कहाँ जा रही हैं? सिग्नल ग्रीन हो गया। हेलो, हाँ डैड, आपने अंदर बात कर ली ना कि मैं आपका बेटा हूँ? थैंक्स डैड। ओ तो ये ऊपर की पहुंच लग रहा है। नहीं नहीं, ये जॉब मेरी है, मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए, मैं ये जॉब नहीं खो सकता, वो भी सिर्फ इसलिए कि इसकी डैड कोई बड़ी हस्ती है। लेकिन आजकल कॉन्टैक्ट्स बहुत काउंट होते हैं, ये जॉब शायद इसी को मिलेगा, अपने फादर के दम पे, क्या करूं? मिस्टर अशोक, यहां तो इस नाम का कोई है ही नहीं। कम ऑन राजवीर, लेट सेट गो। आप है मिस्टर अशोक, यू मे प्लीज गो इनसाइड।